से 4 और 6 निकालता हूं तो वो क्या आता है, 12 आता है। तो जो ये नंबर आता है वो क्या होता है कि 4 और 6 दोनों के टेबल में लाई करता है, जैसे 4 के टेबल में 12 लाई करता है और 6 के टेबल में भी 12 लाई करता है, ठीक है। लेकिन पाई और 2 का अगर तुम एलसीएम देखो, तो अगर मैं सोचूं तो अगर वो कुछ एक नंबर हो रहा होगा तो वो पाई के टेबल में भी लाई करना चाहिए था। तो पाई का टेबल क्या बनता, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये पाई का टेबल बनता। और 2 का टेबल क्या बनता, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब बताओ ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या कि जो इसमें और इसमें दोनों में लाई कर जाए, नहीं हो सकता। सो वही बात लिखी गई है कि एलसीएम ऑफ एन इरेशनल एंड रैशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सर, मैं थोड़ा लेट आया था, वो एलसीएम इरेशनल वगैरह वो वाला पढ़ लिया, उसके पहले का आप बताएंगे वापस। उसके पहले का वही है जो हमने लास्ट क्लास में जो एंड किया था, बस वही मैंने लिखा है फिर से। देखो ये वाला टॉपिक ही हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे। हाँ सर, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी तो हम लोग ने वहीं पे एंड कर दिया था। तो यहाँ तक हम लोग ने लास्ट क्लास तक पढ़ा था आई थिंक, तो उसी को मैंने रिवाइज कराया। और आज का जो ताजा ताजा है वो ये है आई थिंक, एलसीएम ऑफ इरेशनल एंड अरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा इसको पॉइंट वन कहा। अब पॉइंट वन से सो एलसीएम ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉइंट वन इज नॉट नेसेसरी द फंडामेंटल पीरियड। जो पॉइंट वन से हम लोग ने एलसीएम ऑब्टेन किया वो जरूरी नहीं कि फंडामेंटल पीरियड हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पता करने के लिए फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं हम लोग क्या करते थे, एक बेसिक पीरियड निकाल लेते थे और उसको हाफ करते जाते थे करते जाते थे। क्या हुआ है? हाफ मतलब फंडामेंटल पीरियड वाला जो था, जो पाई पाई बाय 2 पाई बाय 4 चेक करते थे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होगा ना? अगर हाँ नहीं, कॉल ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखो मोस्टली जो फंक्शंस होते हैं हमारे पीरियोडिक में, मोस्ट ऑफ देम तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक ही होते हैं ना, ठीक है। तो उसको करने से हमारा काम हो जाता है। ओके, सो इतनी बात थी। तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो हम लोग के पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 10 पाई एक्स बाय 2, ठीक है। देन फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स।
सर भेजा आपको आंसर। ठीक है यस शंकर करेक्ट। हाँ हाँ बोलो सक्षम जी। सर वो आपने उधर लिखा है कि एलसीएम फ्रॉम 1 to 1 क्या है एक्चुअली? एलसीएम ऑफ सर आपने वो ऑप्टेन फ्रॉम 1 to 1 क्या? देखो जैसे जैसे दो फंक्शंस है, जिस एक का T1 पीरियड है दूसरे का T2 पीरियड है, तो उन दोनों का जो fx प्लस माइनस gx वाले टाइप का है उनका जो पीरियड होगा वो एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 होगा, इसको 1 वाला लिखा है। तो इससे जो नंबर ऑब्टेन होगा वो हो सकता है कि जो fx प्लस माइनस gx वाला फंक्शन है उसका 1 ऑफ द पीरियड हो, जरूरी नहीं कि वो फंडामेंटल पीरियड ही हो। तो फंडामेंटल पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करते थे हम लोग, और उसका कम करते थे, हाफ करते थे सर। चलो तो जैसे साइन पाई एक्स है, तो साइन पाई एक्स का पीरियड क्या होता बताओ? 2π/π, मतलब 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x का कोफिशियंट 1 है, तो इसका पीरियड क्या हो गया 1। टेन ऑफ पाई एक्स बाय 2 मतलब पाई होल अपॉन पाई बाय 2 मतलब ये क्या हो गया 2। तो ये जो है T1 T2 T3 हो गया। तो LCM ऑफ 2 1 एंड 2 क्या होता है? 2 ही होता है। अच्छा 2 इज 1 ऑफ द पीरियड। अब क्या पता ये फंडामेंटल है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हम लोग इसको आधा करते। सो चेकिंग फॉर 1s पीरियड, ठीक है 2 का आधा 1 एज अ पीरियड। तो 1 एज अ पीरियड अगर मैं चेक करता तो मैं क्या करता, f ऑफ x प्लस 1 निकालता, तो वो क्या बनता साइन ऑफ पाई टाइम्स x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस 4 प्लस 10 ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है। अब देखो साइन ऑफ पाई एक्स प्लस पाई बन रहा है ये, साइन ऑफ पाई एक्स प्लस पाई, एंड साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो देखो ये पहला वाला ही टर्म जो है वो ऑपोजिट साइन का आ गया, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वन की एफ एक्स के बराबर होने के चांसेस तो है ही नहीं। अरे बात समझ में, so this can never be equal to fx। इसका मतलब कि हम लोग जो 1 को पीरियड के लिए कोशिश कर रहे थे वो नहीं है। so the fundamental period will be 2। fundamental period क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आया समझ में? Yes। चलो गुड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन देखो जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव जीरो एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ 2x प्लस जी आई एफ ऑफ 3x, ठीक है, ऐसे ही जी आई एफ ऑफ 100x है, ठीक है। ये जो साइन है वो किसका साइन है?
GIF का साइन है. देन आइडेंटिफाई वेदर FX is periodic or not. If periodic, then find the fundamental period of FX. If periodic, then find the fundamental period of what? FX. सर हाँ मैं प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कनेक्ट हो गया था, बैकअप एक्सप्लेन कर सकता हूँ. देखो प्रीवियस क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना था, तो एफ एक्स ये था साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस 10 पाई एक्स बाय 2 था. तो हम लोग ने क्या किया कि हर एक का इंडिविजुअल पीरियड निकाला. तो जैसे साइन पाई एक्स है, एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है? पाई है. तो 2 पाई होल अपॉन पाई. जैसे याद था कि जैसे मान लो साइन ऑफ ए एक्स होता था, ए एक्स प्लस बी होता था, तो उसका पीरियड निकालने के लिए क्या करते थे? 2 पाई अपॉन मॉड ए करते थे. तो यहाँ पे भी 2 पाई अपॉन पाई. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फोर, इसका पीरियड 1. 10 पाई एक्स बाय 2, इसका पीरियड 10 का खुद का पाई होता है और एक्स का कोफिशियंट पाई बाय 2 होता है. तो पाई होल अपॉन पाई बाय 2 विच इज 2. तो देखो ये तीन टर्म्स आ गए, 2, 1 एंड 2. अब इन तीनों का एलसीएम लिया हम लोगों ने, 2, 1 एंड 2 का. तो 2, 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है? बाय द वे 2 ही आता है. तो ये जो 2 हुआ ये क्या आया? ये हमारा वन ऑफ द पीरियड आया. अब ये फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं है उसको पता करने के लिए क्या किया हमने? इसको आधा किया, इसको हाफ किया. तो 2 का आधा क्या हो जाता बताओ? 2 का आधा 1 हो जाता. तो 1 को चेक किया, एफ ऑफ एक्स प्लस 1. तो देखो एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स में पहला टर्म साइन पाई एक्स था. तो यहाँ पे इस एक्स की जगह यहाँ पे हम लोग ने एक्स प्लस 1 डाल दिया. फिर बाकी भी ऐसे ही डालते गए, ऐसे डालते गए. तो देखो यहाँ पे साइन पाई एक्स प्लस पाई बन गया. अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो होता है दैट इज माइनस साइन थीटा. तो मतलब ये माइनस साइन पाई एक्स बन गया. तो देखो जो पहला वाला टर्म ही था वो उसी का साइन चेंज हो गया. तो दूसरे और तीसरे अगर सेम भी आ जाते तब भी वो एफ एक्स तो बन नहीं पाता. तो मैंने बाकी दूसरा और तीसरा टर्म को इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं समझी. मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स. इसका मतलब 1 पीरियड नहीं हो सकता. सो जो हमारा 2 है वही हमारा फंडामेंटल पीरियड होता. ओके सो सर इसका आंसर भेजा आपको? आंसर भेजा. यस सही है. अब देखो जैसे सबसे पहली बात बच्चों कि ये बताओ कि ये 5050 ये कोई इंपॉर्टेंट नंबर होता है क्या? 5050 जो 5050 होता है ना
वो वन से लेके हंड्रेड तक का सम होता है। देखो वन से लेके हंड्रेड तक का सम जब मैं निकालूंगा तो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू ऐसे लिख सकते हैं, वन जा फिफ्टी जा फाइव जीरो, मतलब 5050 जो है उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वन से लेके हंड्रेड तक का सम। इतनी बात समझ में आई? सो नॉट नाउ व्हाट वी डिड, 5050 एक्स को हम लोग ने ऐसे लिख लिया, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, ऐसे ही कहां तक, हंड्रेड एक्स तक, माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ टू एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ थ्री एक्स, ऐसे ही कहां तक, जी आई एफ ऑफ हंड्रेड एक्स तक। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ने इसको इसके साथ क्लब किया तो देखो ये क्या बन गया, x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स क्या होता, फिर मैं इसको इसके साथ क्लब करता, टू एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ टू एक्स, वो क्या होता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू एक्स। ऐसे ही थ्री एक्स वाले को इससे क्लब करता, वो क्या बनता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री एक्स। ऐसे ही ये क्या बन जाता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हंड्रेड एक्स। आया समझ में, बोलो बच्चों। यस सर। ओके, तो अब ये ऐसा बन गया। अब देखो क्योंकि सारे फ्रैक्शनल पार्ट हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो खुद पीरियोडिक होते हैं ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन ओवरऑल पीरियोडिक होगा। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होगा, वन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू एक्स का, वन बाय टू, वन बाय थ्री, ऐसे ही वन बाय हंड्रेड। अब इन सब का जब अपन एलसीएम ले रहे होते तो देखो वन हाफ, वन बाय थ्री, ऐसे ही वन बाय हंड्रेड का जब मैं एलसीएम देता तो ये फ्रैक्शन का एलसीएम है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लिखते थे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होल अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो वन 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 का एलसीएम क्या हो गया, वन। वन टू थ्री टिल हंड्रेड का एचसीएफ क्या हो गया, वन। तो वन अपॉन वन, वन। ठीक है, सो ये जो है हमारा वन आ गया। अब यहां पे तुम ऐसे सोचो कि इतने सारे टर्म्स हैं तो मैं कुछ भी इसमें चेंज करता, हाफ करता, वन थर्ड करता वगैरह, तो एक आध टर्म तो सेम आ जाते लेकिन और बहुत सारे टर्म्स जो है वो वेरी कर जाते। सर आप भी क्या बोला, मैंने ये बोला जैसे ये जो वन है ना, अब इसमें तुम कोई फैक्टर से डिवाइड कर रहे होते से, तो उससे क्या होता कि ठीक है कुछ टर्म्स हो सकता है सेम आ जाए, जैसे मैंने इसको हाफ कर दिया से, हाफ के लिए चेक किया से, हाफ के लिए क्या किया, चेक किया। तो अब जैसे मान लो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ करता तो वो क्या बनता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हाफ। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू टाइम्स एक्स प्लस हाफ, ऐसे बन रहा होता। अच्छा, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू टाइम्स एक्स प्लस हाफ होता है ना, वो टू एक्स प्लस वन होता, तो उसको तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू एक्स लिख लेता, लेकिन ये वाला टर्म डिफरेंट हो जाता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो ये नहीं रहता। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर जो है वही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो ये टर्म तो डिफरेंट हो जाता। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हाफ वो कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर तो होता नहीं। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब मैं हाफ करता या वन थर्ड करता तो पहले टर्म में ही गड़बड़ी आ जाती है हमारे को, इसलिए जो ये वाली क्वांटिटी आई वन, वही हमारी फंडामेंटल पीरियड होती। वही हमारा क्या होता, फंडामेंटल पीरियड। सर अगर हमने जो जीआईएफ वाला पार्ट है उसमें अगर एक्स का जीआईएफ मतलब बाहर ले गया था और वो सब ऐड करके 5050 कर दिया था, क्या क्या जीआईएफ वाले पार्ट से,
जीआईएफ वाला पार्ट कॉमन ले लिया होता तो वो मतलब अगर सबट्रैक्ट करके 5050 एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट आता ना, मतलब ऐसा कर सकते हैं जीआईएफ कॉमन नहीं? जीआईएफ को कैसे कॉमन लोगी तुम? जीआईएफ को ऐसे नहीं कॉमन सर, आपने कहा था कि इंटीजर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इंटीजर को बाहर ले सकते हैं जीआईएफ में। नहीं, इंटीजर मल्टीप्लीकेशन में है तो इंटीजर बाहर नहीं आ सकता, ये रॉन्ग है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो बाहर आ सकता है। अच्छा ठीक है सॉरी, ठीक है मल्टीप्लीकेशन में बाहर नहीं आना। ठीक है चलो, सो ये था हमारा पीरियोडिक फंक्शन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ नोट्स लिखते हैं और नोट्स लिखने के बाद हम लोग फिर उसको समझते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो अनदर फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन का इनवर्स जो है वो भी एक फंक्शन ही होता है। फिर इनवर्स, नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल फंक्शंस। ऐसा नहीं कि सारे फंक्शंस के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता ही होगा। किस फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है अब वो लिखने जा रहे हैं। इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर फंक्शंस विच आर 1 1 एंड ऑन 2। इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर दोज फंक्शंस विच आर 1 1 एंड ऑन 2, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन में सर। हाँ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बस नेक्स्ट लाइन में यही लिखूंगा। देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शंस। Inverse exists only for bijective functions. और bijective functions को और क्या कहते हैं? Invertible. Are also called invertible. Bijective functions are also called what? Invertible. ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes. अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने में क्या है हमारा, सो अब इनवर्स फंक्शन का काम क्या होता है वो देखो। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन विच मैप्स image of a function with pre-image of that function, with pre-image of that function। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं लोग को एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, सो इतने सारे पॉइंट्स लिख लिए तुम लोगों ने, नीचे लास्ट वाला लास्ट पॉइंट ये देखो, लास्ट टू पॉइंट्स ये।
चलो ओके सो आगे बढ़ते अपना। तो अब आगे देखो क्या है, जैसे मान लो कि से ये ए है और ये बी है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, 4 भी लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 4 9 16 लिख लेते हैं, ठीक है। और ऐसे लिखा है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए से बी का क्या मतलब है कि जो तुमको इनपुट लेना है एफ वाले फंक्शन के लिए वो सेट ए से लेना है, मतलब एफ के लिए डोमेन जो है वो सेट ए है, और जो सेट बी है वो कोडोमेन है। तो मतलब इनपुट्स जैसे मान लो कि जब एक्स की वैल्यू मैं 1 लेता तो आउटपुट क्या आता, एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1। जब मैं एक्स की वैल्यू 2 लेता तो आउटपुट क्या आता, 4। 3 लेता तो आउटपुट क्या आता, 9। 4 लेता आउटपुट क्या आता, 16। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यहाँ पे मैंने एफ को मैप कर दिया, इसको क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। तो एफ को जो मैप किया वो लेफ्ट से राइट मैप किया, और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, एक्स स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे से कोई कहता कि भाई मैं यहां पे तो पहुंच गया, अब मेरे को वापस अपने यहां पे जाना है, इन पे जाना है, ठीक है। तो एक रिलेशन ऐसा हो रहा होता जो इस 1 को इधर मैप कर रहा होता, एक इस 4 को इधर मैप कर रहा होता, इस 9 को इधर मैप कर रहा होता, इस 16 को इधर मैप कर रहा होता, तो वो रिलेशन बताओ कौन सा होता, स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ ए, हाँ मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो इमेज को प्री इमेज से मैप कर दे उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन, एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हर फंक्शन के करेस्पॉन्डिंग एक इनवर्स होता है, मतलब कोई एफ एक्स दिया होगा तो उसका इनवर्स पूछेगा, ऐसा नहीं कि बिना एफ एक्स दिए ही इनवर्स पूछ लिया, ठीक है। जब मैं यहां से यहां गया उसके बाद ही ना मैं यहां से यहां आ पाऊंगा, तो मैं कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता इनवर्स के लिए लिखता एफ इनवर्स, इट इज अ फंक्शन। अब देखो इसने इनपुट्स कहां से लिए, बी से लिए, और इसने आउटपुट्स कहां से उठाए, सेट ए से उठाए, और एफ इनवर्स एक्स जो है वो क्या हो जाता, रूट एक्स। तो ये एग्जांपल तुम लोग को समझ में आया, व्हाट डज इनवर्स मीन टू अस, इनवर्स की मीनिंग क्या होती है अपनी, yes. चल ओके अब आगे बढ़ते हैं अपने। तो जैसे यहाँ पे तो ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर का हम लोग को इनवर्स तुरंत समझ में आ गया, रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे मान लो से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता तो इनवर्स का एक्सप्रेशन क्या होता, उसको फाइंड करना। तो हम लोग को अब ये जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसमें दो चीजें सीखनी है। पहली चीज क्या सीखनी है कि कब किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक बात तो तुमको ये समझ में आ गई होगी कि एफ इनवर्स एक्स जो है इसका मतलब ये नहीं कि ये 1/f(x) है, मतलब ये पावर -1 नहीं है,
ये तो एक नोटेशन है, साइन इनवर्स जैसे। हाँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स होता था, तो जैसे तुम ही देख सकते हो ना, जैसे एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या वन बाय एक्स स्क्वायर आ गया क्या? नो सर, नहीं, ये तो रूट एक्स है, कुछ रूट एक्स टाइप का है, ठीक है। सो एफ इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू वन बाय एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स विल इटसेल्फ बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, जिसका काम क्या होगा, इमेज को प्री इमेज में मैप करना। ओके, अब मैंने एक पॉइंट लिखाया था, मैंने ये जो सेकंड पॉइंट लिखाया था कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल फंक्शंस, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर फंक्शंस विच आर वन वन एंड ऑन टू। तो अब ये सेकंड और थर्ड पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं कि इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए वन वन क्यों होना चाहिए। सो वाई वन वन, तभी वो फंक्शन के डेफिनेशन फॉलो करेगा। हाँ, यस, वेरी गुड। तो अब देखो, जैसे मान लो मैं एक दो चीज होती है ना, वन वन के रेस्पेक्ट में दो चीज होती है, या तो वन वन या तो मैनी वन। तो मैंने से मैनी वन का एक बना दिया तुम्हारे सामने मैपिंग, मैंने क्या बना दी, मैनी वन की मैपिंग, मैनी वन एफ की, ठीक है। यहां पे एफ मैनी वन है। अब जब मैं ऐसे जा रहा होता, मतलब ये से सेट ए है और ये से सेट बी है, और मैं इमेज को प्री इमेज के साथ मैप करने जा रहा होता, तो एफ इनवर्स के लिए बी डोमेन का काम करता, तो पी एक ऐसा एलिमेंट होता जिससे दो एरो निकल रहे होते। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि हाँ, कि हर एक एलिमेंट में से हर एक एक्स के लिए, हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है, एक ही इमेज। हाँ, तो यहाँ पे तो क्या हुआ कि एक एक इनपुट के कारण एक से ज्यादा आउटपुट आ रहा है, तो जो फंक्शन के डेफिनेशन को वायोलेट कर रहा है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स में फंक्शन का डेफिनेशन वायोलेट हो रहा है, अग्री करोगे? देयरफोर हम लोग क्या कहेंगे, एफ इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो मैनी वन के केस में क्लियर है क्यों एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, एफ एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं मैनी वन के केस में? एफ एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि देखो एफ के लिए तो यही इनपुट्स हैं, और उनसे हर हर समय एक ही आउटपुट, एक एक आउटपुट ही, एक एक एरो ही निकल रहा है। तो एफ तो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, सेकंड है वाई ऑन टू, भाई ऑन टू की क्या रिक्वायरमेंट है? तो ऑन टू और इनटू दो लोग होते थे, दो भाई भाई होते थे, इनपुट के सारे से एरो निकलने चाहिए इसलिए। हाँ, तो जैसे मान लो ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर एस है, और मैंने एग्जांपल ले लिया इनटू का, मैंने क्या एग्जांपल ले लिया इनटू का, जैसे ये ऐसे मैपिंग हो गई। तो एफ जो है वो ए से बी है, एफ जो है वो ए से बी है, मतलब लेफ्ट से राइट जो है वो एफ हो रहा है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि राइट से लेफ्ट एफ इनवर्स हो रहा होगा। तो एफ इनवर्स के लिए डोमेन का काम कौन करता, सेट बी करता। एफ इनवर्स के लिए डोमेन का काम क्या करता, सेट बी करता। और डोमेन सेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से एरो निकल रहे हो, और ऐसे एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें से एक भी एरो नहीं निकल रहा। सो फॉर एफ इनवर्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी विल हैव नो एरो, at least one element of set B will have no arrow. So therefore,
F inverse will violate definition of function. Therefore, F inverse will not exist. Therefore, F inverse will not exist. ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इनटू होने पे गड़बड़ क्या हो रहा होता, इनटू होने पे ये गड़बड़ हो रहा होता, इसीलिए फंक्शन को ऑन टू होना चाहिए था। अब देखो, मैं एक वन वन प्लस ऑन टू वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं कि जो फंक्शन वन वन, हाँ सर, जो आपने पॉइंट्स लिखा था उसका थर्ड पॉइंट दिखाई नहीं था, पॉइंट्स लिखाया था थर्ड पॉइंट कौन सा? हाँ सर, एक मिनट बस। हाँ सर, हो गया, थैंक यू, हो गया। चलो अब देखो, अगर वन वन और ऑन टू कोई फंक्शन होता तो उसमें कैसे टाइप का डायग्राम बन रहा होता? मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, उसका डायग्राम ऐसा बन रहा होता। देखो, ऐसे टाइप का डायग्राम बन रहा होता, वन वन एंड ऑन टू। तो देखो, वन वन है कि नहीं है? हर एक एलिमेंट पे एक ही एरो आ रहा है। और ऑन टू है कि नहीं है? पूरा कोडोमेन कवर हो गया रेंज के साथ। तो अब तुम इधर से इधर जाते तो देखो, पी क्यू आर सबसे एरो निकल रहे हैं और सबसे एक ही एरो निकल रहे हैं। इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा अपना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? यस सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हम लोग। तो अब जैसे कुछ क्वेश्चंस कैसे टाइप के होते हैं कि पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इनवर्टिबल, या इनमें से कौन से फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उसमें हम लोग को एक्चुअली क्या चेक करना होगा कि वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है कि नहीं है। अगर वन वन एंड ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं है तो हम लोग वहां पे कह देंगे कि उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा ऐसा होता, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम टू टू इंफिनिटी टू सेट बी। जैसे मान लो यहां पे सेट बी लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट? एक्स प्लस वन बाय एक्स। देन फाइंड सेट बी फॉर विच एफ एक्स इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब पता है ना? हाँ सर, बायजेक्टिव। हाँ, बायजेक्टिव मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हूं।
नहीं सेम एज डोमेन नहीं होगा, ये जो सेट बी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए एक्चुअल में बताओ? वो रेंज होगी ना? हाँ वो रेंज के बराबर होगा। तो हम लोग को एक तरीके से क्या करना होगा कि जो एफ एक्स फंक्शन नोन है हमारे को उसका इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में रेंज फाइंड करना होगा। यस तन्मय वेरी गुड। हाँ आदित्य जिंदल करेक्ट। यस आदित्य सारना गुड। यस ऑलवेज इंक्रीजिंग वाला करवाएगा। चलो देखो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। एक तो तरीका कि अगर मेरे को x प्लस वन बाय एक्स का ग्राफ पता हो तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या मैंने x प्लस वन बाय एक्स का ग्राफ बताया कि नहीं तुम लोग को पहले कभी? बताया। देखो x प्लस वन बाय एक्स का ग्राफ अपना कैसा होता है, x प्लस वन बाय एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का और इधर से कुछ ऐसे टाइप का होता है। ये वन होता है और ये माइनस वन होता है। इसका ग्राफ है ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो हम लोग को इनपुट कहां से कहां तक ले जाना है, टू से इंफिनिटी तक ले जाना है। सॉरी तो इनपुट टू से इंफिनिटी तक ले जाना है मतलब हमारा ग्राफ कैसा शेड हो रहा होगा? अपना ग्राफ कुछ ऐसा शेड हो रहा होगा। अच्छा जो शेडेड ग्राफ है बस उसको देखो तो ये बताओ कि ये शेडेड ग्राफ कैसा है? ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है। कौन सा? शेडेड वाला। अच्छा ऑलवेज इंक्रीजिंग है अगर शेडेड वाला, इसका क्या मतलब है? सर वो वन वन है। वन वन होगा तो वन वन तो काम हो गया। तो वन वन का काम करने के लिए इसकी कभी भी जरूरत नहीं होती है कोडोमेन वाले सेट की, ठीक है। वन वन का काम करने के लिए बस डोमेन वाले सेट की जरूरत होती है और फंक्शन की जरूरत होती है। Understood? तो ये जैसे मेथड वन ऐसे। तो अब देखो क्या अगर कोई फंक्शन हमारा ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो
उसका रेंज निकालने में फायदा होता है क्या अगर डोमेन के एंड पॉइंट्स नोन है तो? हाँ, तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू तुम 2 पुट करते x प्लस 1 बाय x में, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आती 2.5। तो रेंज हमारा क्या हो रहा होता अगर ब्लैक वाले ग्राफ के रेस्पेक्ट में देखे तो 2.5 से इंफिनिटी, तो रेंज जो है वो 2.5 मतलब 5/2 से इन्फिनिटी। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब इन्वर्टिबल है मतलब 1-1 तो होना ही चाहिए, जो हम लोग ने प्रूफ करके दिखा दिया, एज वेल एज ऑन टू भी होना चाहिए। अच्छा, ऑन टू होने के लिए को डोमेन जो है वो भी रेंज के बराबर ही होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा सेट बी आ गया वो क्या आ गया 5/2 से इंफिनिटी तक। समझ में आ गई बात? यस। अच्छा, ये मेथड वन था। ये तो क्या था कि x प्लस 1 बाय x का अगर हम लोग को ग्राफ पता है, तो अगर अपन को x प्लस 1 बाय x का हाँ ग्राफ नहीं पता होता तो पहले मैं एफ डैश एक्स निकालता, तो 1 - 1/x² आता, मतलब x²-1/x² एलसीएम लेने पे। अब देखो डोमेन हमारा, हाँ सर, वो पहले एक्सप्रेशन से ही कंक्लूड कर सकते कि -1/x² 1 से छोटा ही रहेगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, -1/x² 1 - 1/x² हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नहीं देखो वो से इंफिनिटी देखो, हाँ वहां पे कि अगर x²2 से इंफिनिटी है तो वहां पे कह सकते थे, या फिर एलसीएम ले लिया, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया। तो x देखो, x तो 2 से बड़ा है ना, तो x² जो है वो 4 से बड़ा हो जाता, मतलब x²-1 पॉजिटिव आते, और नीचे तो पॉजिटिव है ही, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता, मतलब फिर से वंस अगेन एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता। और इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या अपने को रेंज निकालने आता है? यस, डोमेन के एंड पॉइंट्स से। तो यहां पे भी तो वही किया ना, डोमेन के एंड पॉइंट्स को पुट किया तो उससे रेंज के एंड पॉइंट्स आ गए। तो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? सो जैसे बस ऐसा बोले कि एफ एक्स इज इनवर्टिबल, तो तुमको क्या सोचना है? तुमको ये सोचना है, ये क्वेश्चन मेरा 1-1 एंड ऑन टू रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें इनवर्स का बहुत ज्यादा कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसमें क्वेश्चन 1-1 एंड ऑन टू से रिलेटेड ही है। बस इनवर्टिबल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि फंक्शन को 1-1 प्लस ऑन टू होना चाहिए था। ओके, नाउ शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए अपने। क्या बोल रहे हो? F inverse को 1 - 1/x² F dash x 1 - 1/x² कैसे आया? अच्छा, वो F dash है, मुझे से F inverse। हाँ सर, F dash x है। अभी तक तो मैंने F inverse x निकालना सिखाया ही नहीं है, ठीक है? अभी तक हम लोग ने ये नहीं सीखा कि F inverse x का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है? तो अब सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड व्हाट एफ इनवर्स एक्स एक्सप्रेशन, ठीक है? हाउ टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स एक्सप्रेशन। चलो, सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज ये देख लेते हैं। जैसे मान लो कि नेक्स्ट पॉइंट है, से ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है,
ऐसे मैपिंग हो रही है कुछ, तो एफ ऐसे है, तो एफ इनवर्स कैसे होता, ऐसे होता। से ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो बताओ एफ के लिए जो डोमेन सेट होता, अच्छा हम लोग एफ को क्या मान के चल रहे हैं, इनवर्टिबल मान के चल रहे हैं, और तुमको डायग्राम में देख भी रहा होगा कि ये इनवर्टिबल है, एफ वन वन भी है और ऑन टू भी है। एफ का बताओ डोमेन सेट क्या होता, ए, सेट ए, वेरी गुड। एंड एफ का रेंज सेट क्या होता, सेट बी। अच्छा एफ इनवर्स का डोमेन सेट क्या होता, बी। सेट बी होता क्या एफ इनवर्स का डोमेन सेट, yes. और एफ इनवर्स का अपना रेंज सेट क्या हो रहा होता, ए, सेट ए हो रहा होता, वेरी गुड। ओके तो अब ये देखो बहुत अच्छी चीज दिख रही है हमको कि अब ऐसे तो हम लोग को कोई फंक्शन का डोमेन या रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले वो फंक्शन का अपने को एक्सप्रेशन मिले तब हम लोग उसका डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। अच्छा इन जनरल हम लोग को क्या दिया रहता है, हम लोग को फंक्शन एफ दिया रहता है, तो और अगर मेरे से कोई एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज फाइंड करने को बोले तो क्या हम लोग एफ के डोमेन और रेंज से एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज भी बोल सकते हैं क्या, इवन विदाउट फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एफ इनवर्स। यस सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि अच्छा एफ एक्स दिया हुआ है तो पहले एफ इनवर्स फाइंड किया जाए फिर उससे उसका डोमेन रेंज निकाले, तो उतनी मेहनत क्यों करनी जब हम लोग ने ये सीख लिया कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज सेम एज रेंज ऑफ एफ एक्स एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ एक्स इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ एक्स। ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे सामने होता एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर ऐसे दिया होता, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। ठीक है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम माइनस वन से प्लस वन टू सेट बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम माइनस वन से प्लस वन टू सेट बी ठीक है, बी इज सच दैट एफ एक्स इज इनवर्टिबल, बी सच दैट एफ एक्स इज इनवर्टिबल, देन फाइंड डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, देन फाइंड द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स।
नहीं नो प्रशिता इंटरवल आएगा ना अच्छा अच्छा ओके यस 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 सही है आंसर क्या रहा है हमारा 2 से 8 आ रहा है आंसर इज व्हाट 2 से 8 सो ओके लेट्स सी देखो बच्चों एफ एक्स ये तो अगर हम लोग एफ डैश एक्स की बात करें तो 3x² + 2x + 2 ये क्वाड्रेटिक बन गया अच्छा ये अब क्वाड्रेटिक का आउटपुट कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि दोनों है उसको पता करने के लिए क्या करते थे अपने डिस्क्रिमिनेंट तो डिस्क्रिमिनेंट जो है तुमको दिख रहा होगा कि वो नेगेटिव आने वाला है ना b² - 4 - 24 डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का हो रहा होगा मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसा आउटपुट दे रहा होगा ऑलवेज पॉजिटिव अच्छा ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट दे रहा होगा मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ठीक है नाउ सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग मतलब वो 1-1 तो हो ही गया अब हम लोग को क्या करना है सेट बी पहले फाइंड कर लिया जाए ताकि वो ऑन टू भी हो जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन में डोमेन के एंड पॉइंट्स पे जो वाई की वैल्यू आती है वो रेंज के एंड पॉइंट्स होते हैं तो एक्स की वैल्यू -1 पे वाई की वैल्यू कितनी आती है -1 + 1 - 2 + 4 बोले तो 2 और एक्स इज इक्वल टू +1 पे आपकी वाई की वैल्यू कितनी आती 1 + 1 + 2 + 4 बोले तो 8 तो जो हमारा रेंज होता दैट वुड हैव बीन 2 से 8 और क्योंकि इनवर्टिबल है तो इसी को कोडोमेन भी होना चाहिए था और कोडोमेन क्या है सेट बी है मतलब ये सेट बी हो गया तो सेट बी क्या हो गया 2 से 8 हो गया अच्छा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता वो सेट बी ही होता और सेट बी क्या है 2 से 8 तो यही हमारा आंसर हो जाता तो देखो कितना अच्छा है ना कि हम लोग को एफ इनवर्स एक्स को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे बिना एफ इनवर्स एक्स फाइंड किए ही हम लोग एफ इनवर्स का डोमेन फाइंड कर लिए अच्छा बताओ क्या ज्यादा आसान होता इस क्वेश्चन में एफ इनवर्स एक्स का डोमेन फाइंड करना कि एफ इनवर्स एक्स का रेंज फाइंड करना रेंज हाँ रेंज फाइंड करना और ज्यादा आसान होता क्योंकि रेंज फाइंड करने के लिए फिर यही हो जाता तुमको सेट बी भी नहीं निकालना पड़ता अगर रेंज पूछ लिया होता एफ इनवर्स एक्स का ठीक है चलो शैल वी मूव फॉरवर्ड यस ओके सो ये पॉइंट हो गया अपना अच्छा नेक्स्ट अब नेक्स्ट पॉइंट वही है कि हाउ टू फाइंड एफ इनवर्स यस एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट एफ इनवर्स एक्स इफ एफ एक्स इज इनवर्टिबल इफ एफ एक्स इज इनवर्टिबल ठीक है तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं पहला स्टेप है कि चेक वेदर एफ एक्स इज इनवर्टिबल और नॉट ठीक है पहला स्टेप तो ये है कि पहले ये चेक करना है कि एफ एक्स इनवर्टिबल है कि नहीं मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब हम लोग आगे के स्टेप्स पे प्रोसीड करेंगे अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो फर्स्ट स्टेप में ही बोल देंगे कि एफ इनवर्स एक्स वोंट एग्जिस्ट
ठीक है, और चेक करने के लिए कि इन्वर्टिबल है कि नहीं उसके लिए क्या करना होगा, वन वन एंड ऑन टू के लिए चेक करना होगा अपने को। फाइन, यस, ओके। सेकंड स्टेप, इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जो फंक्शन है, जो एक्स का फंक्शन है, उसको वाई के बराबर कर लिया, वाई के बराबर इक्वेट कर लिया। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है अपने को, कि मेक एक्स एज द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ वाई एंड नेग्लेक्ट मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ एंड नेग्लेक्ट मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ क्या कहते हैं x यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। फिर फोर्थ स्टेप है, इंटरचेंज x and y and the new expression obtained in terms of x will be f inverse x, and the new expression obtained in terms of x will be what, f inverse x। ठीक है, ये सारे स्टेप्स लिख लिए। यस, ओके, चल। अब देखो, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं, f इज अ फंक्शन From 2 से इंफिनिटी टू 3 से इंफिनिटी, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स इफ एग्जिस्ट, then find f inverse x if exist। अब देखो तुमको कौन से क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत है और कौन से क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे सोच सकते हो, जैसे पूछा कि find f inverse x और चारों ऑप्शंस में कुछ x के एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो तुमको फिर मतलब f inverse x एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो चारों में कोई ऑप्शंस दिए है ना, मतलब तो उस समय फिर वन वन एंड ऑन टू को चेक करने की जरूरत नहीं तुमको। उस समय 100% श्योर रहना कि क्वेश्चन में इस हिसाब से क्वेश्चन दिया ही हुआ है कि वो वन वन एंड ऑन टू है ही। और अगर ऑप्शन में कहीं नन ऑफ दीज दे दिया, डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज दे दिया, तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। समझ में आया कब क्या करना है टू रिड्यूस आवर कैलकुलेशन। अच्छा देखो, f इज अ फंक्शन फ्रॉम 2 से इंफिनिटी है, तो पहले हम लोग f डैश x निकाल लेते हैं। देखो f डैश x क्या आ जाता, 2x माइनस 2, मतलब 2 टाइम्स x माइनस 1। अच्छा जो x है वो b बाय 2 है, निकाल लेते हैं क्या सर, माइनस b बाय 2 है से भी देख सकते हैं ना, माइनस d बाय 4 है, अच्छा माइनस b बाय 2 है सर, आप अभी चेक कर रहे हैं ना। हाँ अभी चेक कर रहा हूं, अभी मैं स्टेप वन कर रहा हूं। ठीक है देखो, टू टाइम्स एक्स माइनस वन बन गया। अब एक्स टू से बड़ा है, तो एक्स अगर टू से बड़ा है मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एफ डैश एक्स क्या हमेशा पॉजिटिव रहता क्या, नहीं,
इस इंटरवल के लिए, क्या क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंटरवल दिया है 2 से इंफिनिटी, उस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि अब एक्चुअली में ग्राफ कैसा हो रहा होता, ग्राफ ऐसा हो रहा होता, ये जो वर्टेक्स होता ना वो माइनस बी बाय टू ए होता, वन होता, और टू यहां से स्टार्ट हो रहा होता, तो बताओ टू से इंफिनिटी तक ग्राफ ऐसा हो रहा होता, दिख रहा है हम लोग को कैसा ग्राफ है ये, एक कॉन्वेक्स इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब वन वन का तो काम हो गया, वन वन फंक्शन का तो काम हो गया, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, ऑन टू के लिए चेक करना होगा। अब देखो जब x की वैल्यू तुम 2 पुट कर रहे होते, देखो x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आती, 4 माइनस 4 प्लस 3, y की वैल्यू हमारी 3 आती क्या, yes. बोलो भाई, और इस रेड वाले ग्राफ पे करस्पॉन्डिंग जो रेंज शेड हो रहा होता या y एक्सिस शेड हो रहा होता वो ऐसा हो रहा होता, तो इस ग्राफ को देख के हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि रेंज जो है वो हमारा 3 से इंफिनिटी होता, एंड विच इज सेम एज कोडोमेन, विच इज सेम एज कोडोमेन। सर मैंने आपको आंसर भेजा करेक्ट है, हाँ ठीक है ठीक है, तो मतलब ये ऑन टू भी हो गया, मतलब वन वन और ऑन टू दोनों हो गए, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स विल एग्जिस्ट, ठीक है, ये स्टेप वन कंप्लीट हुआ, यहां से यहां तक पूरा क्या हुआ, स्टेप वन हुआ हमारा। तो जब चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ फंक्शन दिए हुए तो स्टेप वन करने की जरूरत नहीं, तो वहां पे क्या करो कि स्टेप टू से ये स्टार्ट कर दो। सो अब स्टेप टू क्या है, स्टेप टू ऑनवर्ड्स हम लोग ने वाई ले लिया कि वाई इज इक्वल टू जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू का, अब देखो मेरे को x को सब्जेक्ट बनाना है, आई वॉन्ट टू मेक x एज सब्जेक्ट, तो बताओ हम लोग x को सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, x को सब्जेक्ट बनाना मतलब 2x plus 3 होगा ना, 3 है क्या सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो देखो x को सब्जेक्ट बनाना मतलब x को एक जगह लेके आना, और एक जगह लेके आने का काम कौन करता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, मतलब इसको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू लिख सकते हैं। अब देखो अब यहां से क्या आ गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस टू, तो इससे जो है मल्टीपल डेफिनेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस रूट वाई माइनस टू एंड माइनस रूट वाई माइनस टू, अब देखो अच्छा अब इसमें से एक डेफिनेशन वैलिड रहेगा और दूसरा डेफिनेशन वैलिड नहीं रहेगा, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों डेफिनेशन फॉलो हो जाए, नो सर वो फंक्शन ही नहीं बचेगा, दोनों डेफिनेशन फॉलो होने का ये मतलब है कि एक इनपुट से दो, एक से दो हो जाएगा, नहीं देखो अगर मैं एक इनपुट डालूं तो उससे आउटपुट तो एक ही आएगा, अगर मैं x की कोई एक ही वैल्यू डालूं, x की मैं कोई एक ही वैल्यू डालूं तो उससे y की वैल्यू तो एक आएगी, लेकिन तुम ऐसे सोचो कि y की एक वैल्यू के कारण x की दो वैल्यू आती, हाँ सर वही बोल रहा है, f इनवर्स दो आउटपुट देता, हाँ y की एक वैल्यू कोई डालता तो उससे x की दो वैल्यू आती,
तो फिर वो जो एफ एक्स का मैनी वन फंक्शन वाला क्राइटेरिया दे दिया होता, जबकि एफ एक्स तो हमारा वन वन है, तो हर वाई के कारण एक ही एक्स आना चाहिए था। आई बात समझ में? तो क्या ऐसा पॉसिबल हो गया आप क्या कि दोनों डेफिनेशन फॉलो हो जाए? नहीं, ऐसा फॉलो नहीं होगा। अच्छा, तो अब कौन सा फॉलो होगा और कौन सा नहीं होगा उसको देखने के लिए देखो, x हमारा 2 से इन्फिनिटी दिया हुआ है, ठीक है? तो x हमारा 2 से इन्फिनिटी दिया हुआ है, मतलब x माइनस वन को कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए थी? positive. हमेशा ये पॉजिटिव। अच्छा, इधर तुम राइट हैंड साइड देखो, इधर जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है और इधर जो राइट हैंड साइड है वो नेगेटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव क्वांटिटी होनी ही चाहिए थी। मतलब हम लोग ने सेकंड वाले डेफिनेशन को नेगलेक्ट कर दिया। ओके, सो सेकंड वाले डेफिनेशन को नेगलेक्ट करने के बाद क्या बन गया, x माइनस वन इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस टू। सर एक बार वापस बताओ कि सेकंड वाले डेफिनेशन, सेकंड वाले डेफिनेशन में क्या हुआ कि x जो है वो 2 से इन्फिनिटी था, मतलब x माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए था हमेशा। अब देखो इधर जो राइट हैंड साइड है वो रूट है तो वो तो पॉजिटिव आउटपुट देता, इधर जो राइट हैंड साइड है वो माइनस रूट है तो वो नेगेटिव आउटपुट देता, लेकिन दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड तो x माइनस वन है जो कि पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कभी पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए नेगलेक्ट कर दिया। तो क्या बचा, x माइनस वन इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस टू, मतलब x इज इक्वल टू वन प्लस रूट ऑफ y माइनस टू, ठीक है? तो अब ये सिंगल डेफिनेशन आ गया। अब क्या करना है कि x और y को इंटरचेंज कर देना है, वी विल इंटरचेंज x एंड y, उससे क्या आ जाता, उससे आ जाता y इज इक्वल टू वन प्लस रूट ऑफ x माइनस टू, और यही चीज जो है वो हमारी F इनवर्स X होती, जो X में एक्सप्रेशन है वही हमारा क्या होता, F इनवर्स X होता। ठीक है सर, आप एक बार वो स्टेप्स दिखा सकते हैं क्या जो आपने स्टार्टिंग में लिखवाए थे? ये देखो, हो गया सर, थैंक यू। तो समझ में आया कि कैसे एक्सप्रेशन निकालना है हम लोग को? यस सर। ओके, सो जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ इज अ फंक्शन From 0 से infinity to 2 से infinity such that fx is equal to e raised to x plus e raised to minus x, then find f inverse x if exist.
चलो ये तुम लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, इसको एज अ होमवर्क करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े और इनवर्स रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे। ओके सो आज इनवर्स रिलेटेड जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया? यस चलो थैंक यू सर।